तलपट के मिलान करने पर 83 रुपए का अंतर प्राप्त हुआ, जिसे उच्चंत खाते में लिखा गया। आगामी वर्ष में निम्नलिखित अशुद्धियां प्राप्त हुई। ₹83 डिफरेंस फाउंडेड बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विच इज डेबिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फॉलोइंग एरर वेयर डिस्कवर्ड। फर्स्ट, एक व्यापारी से 5 रुपए का माल खरीदकर उसके खाते में 50 रुपए जमा कर दिए गए। गुड्स परचेज फ्रॉम अ मर्चेंट फॉर ₹5 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज ₹50। सेकेंड, 200 रुपए का एक अनादृत प्राप्य विपत्र बैंक ने लौटाया, जो बैंक खाते में जमा तथा प्राप्य विपत्र खाते में नामित किया गया। Additional bill receivable for ₹200 written by the bank had been credited to the bank account and debited to bills receivable account. Third, 10 रुपए का लौटाया हुआ माल विक्रय वापसी पुस्तक में लिखकर ग्राहक के खाते में नामे डेबिट किया गया। An item of ₹10 entered in the sales returns book had been posted to the debit of the customer who returned the goods. Fourth, यंत्र की बिक्री के ₹260 विक्रय पुस्तक में लिख दिए गए। Sundry item of plant sold for ₹260 had been entered in the sales book. Fifth, ग्राहकों द्वारा दिए ₹60 ऋणियों की सूची में लिखने से रह गया। ₹60 owing by a customer had been omitted from the schedule of sundry debtors. Sixth, ऋणदाता से प्राप्त ₹2 बट्टा उसके खाते में ठीक लिखा गया था, किंतु बट्टे खाते में प्रविष्टि नहीं हुई थी। ₹2 discount received from a creditor had been duly entered in his account but not posted to discount account. अशुद्धियों के सुधार के लिए नकल बही में प्रविष्टियां कीजिए, उच्चंत खाता बनाइए एवं गत वर्ष के लाभ हानि खाते में इन अशुद्धियों के प्रभाव को बताइए। इस प्रश्न में देख रहे हैं कि एक तो हमको द्विपक्षीय अशुद्धियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और सबसे पहले हमको इन अशुद्धियों का सुधार संशोधन प्रविष्टियों के माध्यम से करना है। फर्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एक व्यापारी से 5 रुपए का माल खरीदकर उसके खाते में 50 रुपए जमा कर दिए गए। यानी कि हमको ये समझ लेना है कि एक व्यापारी से जब हमने माल खरीदा तो हमारे कुछ लेनदार बने, और लेनदार को हमको लिखना था 50 रुपए, हमने लिख दिया 5 रुपए, यानी कि 45 रुपए एक तो हमने उसको कम लिखा। दूसरी बात ये कि हमने गलत कर दिया, 5 रुपए का माल की जगह हमने 50 रुपए वहां पर जमा कर दिया। तो अब हम इस अशुद्धि को सुधारने के लिए, जैसे कि हमने देखा कि वापस अब जो 45 रुपए की अमाउंट बच गई है वो लिखेंगे, और दूसरी बात क्योंकि यहाँ पर अधिक लिखा गया है, बढ़ी हुई रकम लिखी गई है, तो हमको इसकी अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि क्रेडिटर को हम क्रेडिट ना करके इसकी अपोजिट एंट्री यानी कि डेबिट में हम ला देंगे, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर ये जनरल एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग पोस्टिंग ऑफ एक्सेस अमाउंट करेक्टेड, और 45 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, 200 रुपए का अनादृत प्राप्य विपत्र बैंक ने लौटाया, जो बैंक खाते में जमा तथा प्राप्य विपत्र खाते में नामित किया गया। एक तो ये बिल्स रिसीवेबल है, डिसऑनर्ड है, ये लौटा दिया गया, 200 रुपए का था, इसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, ये गलती की गई। तो इस एंट्री को हम सुधार देंगे, पूरी की पूरी एंट्री गलत कर दी गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी गलत पक्ष में प्रविष्टि कर दी गई या कम या ज्यादा रुपए लिखे गए, पूरी की पूरी प्रविष्टि पलट दी गई, गलत कर दी गई। तो यहाँ पर हम इसको सुधार कर इसकी एंट्री कर देंगे, एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि गलती क्या की गई थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करके गलती की गई थी, तो उसको सुधारने के लिए फिर हम इसको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि 200 का ये की अमाउंट यहाँ पर दी गई है, तो 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे, एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग करेक्शन ऑफ डिसऑनर्ड बिल रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, 10 रुपए का लौटाया हुआ माल विक्रय वापसी पुस्तक में लिखकर ग्राहक के खाते में नामी या डेबिट कर दिया गया। यहाँ पे हमने देखा था कि जो माल लौटाया गया है, विक्रय वापसी जिसकी हुई है उसको हमको विक्रय वापसी पुस्तकों में लिखना था, लेकिन विक्रय वापसी पुस्तकों में लिखकर हमने इसको ग्राहक के खाते में डेबिट कर दिया। यानी गलती कहाँ पे हुई है, ग्राहक के खाते को डेबिट करके हमने गलती की है। तो इस गलती को सुधारने के लिए अब हमको पलटना पड़ेगा इस पूरी प्रविष्टि को, यानी कि ग्राहक के खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग टू द डेबिट ऑफ कस्टमर पर्सनल। और यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो अमाउंट थी वो 10 रुपीज की थी, तो एक तो इसको गलत खाते में लिखा गया है और जहां लिखना चाहिए था उसमें लिखा नहीं गया, तो डबल एंट्री यानी डबल अमाउंट से इसकी एंट्री हम करेंगे, तब जाके ये जो एरर है इसको हम खत्म कर पाएंगे, मिटा पाएंगे। तो इसको डबल अमाउंट से हमको 20 रुपीज से इसकी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं, यंत्र की बिक्री 260 रुपए विक्रय पुस्तक में लिख दी गई। यंत्र एक स्थायी संपत्ति है, जब हम यंत्र को बेचते हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होनी चाहिए रोकड़ खाता डेबिट यंत्र खाता से, लेकिन गलती से हमने इसको रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से लिख दिया, मतलब विक्रय खाता को क्रेडिट करके हमने गलती की है। अब इस गलती को सुधारने के लिए हमको विक्रय खाता को डेबिट कर देना होगा, यानी कि सेल्स अकाउंट को हमको डेबिट कर देना होगा। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, और नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग करेक्शन फॉर सेल ऑफ प्लांट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, और 260 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है ग्राहकों द्वारा दे 60 रुपए ऋणियों की सूची में लिखने से रह गया। ₹60 ओइंग बाय अ कस्टमर हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर जो 60 रुपीज डेटर्स के हैं, डेटर्स पर्सनल अकाउंट में जो लिखने चाहिए थे वो लिखने से रह गया। ऐसे नहीं कि गलत एंट्री कर दी गई, गलत पक्ष में प्रविष्टि की गई, लिखा ही नहीं गया, छूट गया, तो अब हम इसको लिख देते हैं। तो क्योंकि डेटर्स पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट में आएगा, तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और 60 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। और यहाँ नरेशन हम लिखेंगे बीइंग करेक्शन फॉर ओमिशन ऑफ डेटर्स अमाउंट फ्रॉम द शेड्यूल। सिक्स्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, ऋणदाता से प्राप्त 2 रुपए का बट्टा उसके खाते में ठीक लिखा गया था किंतु बट्टे खाते में प्रविष्टि नहीं हुई थी। एक ऋणदाता से 2 रुपए का बट्टा प्राप्त किया गया, इसकी एंट्री ऋणदाता के खाते में तो की गई लेकिन बट्टे खाते में इसकी एंट्री नहीं हुई। यहाँ हमको डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स करना चाहिए था, क्रेडिटर के अकाउंट में हमने लिख दिया लेकिन डिस्काउंट अकाउंट में हमने इसकी एंट्री नहीं की। तो अब हमको इसको डिस्काउंट अकाउंट में इसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि ये बट्टा प्राप्त हुआ है हमको इसलिए ये बट्टा क्रेडिट में आएगा। तो हम इसकी प्रॉपर जनरल एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग करेक्शन फॉर ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, और 2 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब इसके आधार पर हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो इस जनरल एंट्री में देख रहे हैं हम कि जहां जहां पर सस्पेंस अकाउंट बन रहा है उसकी पोस्टिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री है क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और 45 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट हमने देखा एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो यहाँ पर तो सस्पेंस अकाउंट प्रभावित हो नहीं रहा है। थर्ड हमने देखा हमारी जनरल एंट्री हुई है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे सस्पेंस अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट 20 रुपीज से। और उसके बाद फिफ्थ एंट्री में फिर से सस्पेंस अकाउंट प्रभावित हो रहा है, तो फिफ्थ एंट्री में हम लिख देंगे डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय डेटर्स पर्सनल अकाउंट ₹60। और फिर सिक्स्थ एंट्री में हम देख रहे हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट है, तो हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट
और 2 रुपीज से इसकी एंट्री करेंगे। अब हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का वो बराबर आ जा रहा है, यानी कि सस्पेंस अकाउंट पूरा का पूरा भी यहाँ पे राइट ऑफ हो जाता है। पहला, शरद से प्राप्त 100 रुपए का एक चेक अनादृत हो गया और कटौती खाते में डेबिट कर दिया गया। अ चेक ऑफ ₹100 रिसीव फ्रॉम शरद वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। सेकेंड, मशीन में वृद्धि करने के मजदूरी के व्यय ₹800 मजदूरी खाते में डेबिट या विकलन कर दिए गए। वेजेस ₹800 स्पेंड ऑन एडिशनल टू मशीनरी व डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। भवन बनवाने के ₹500 मरम्मत खाते में नामी विकलन या डेबिट कर दिए गए। ₹500 spent on construction of building were debited to repair account. ₹300 माल जिसे सुशील ने लौटाया या स्टॉक में शामिल कर लिया किंतु पुस्तकों में इसका लेखा नहीं किया गया। गुड्स वर्थ ₹300 returned by सुशील एंड इंक्लूडेड इन द स्टॉक was nowhere recorded in the books. मालिक द्वारा आहरण किए गए ₹200 यात्रा व्यय खाते में डेबिट किए गए। अ विड्रॉल ऑफ ₹200 बाय द प्रोप्राइटर वाज डेबिटेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सुभाष से प्राप्त ₹300 का रेखांकित चेक रानू के खाते में जमा समाकलन क्रेडिट और बैंक खाते के स्थान पर रोकड़ खाते में नामे विकलन या डेबिट की गई। A cross check of ₹300 received from Subhas was credited to Ram's account and debited to cash account instead of bank. उपर्युक्त त्रुटियां 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रमेश के खाते में पाई गई। इन्हें सुधारने के लिए जनरल के आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए तथा इनका अंतिम खातों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। Above mentioned error were found in the book of Ramesh for the year ended 31st March 2002. Pass necessary rectification entry in the general and show their effect final account. इस क्वेश्चन में हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं कि किस तरह से त्रुटियां हुई हैं और किस तरह से उन त्रुटियों को हमको सुधार करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर जनरल एंट्रीज करनी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि शरद से प्राप्त ₹100 का एक चेक अनादृत हो गया और कटौती खाते में डेबिट इसे कर दिया गया। तो यहाँ पर क्योंकि हमको शरद से ₹100 का चेक प्राप्त हुआ है और जो चेक प्राप्त हुआ था वो अनादृत हो गया और कटौती खाते में इसको डेबिट किया गया। हालांकि अनादरण हो रहा है लेकिन डेबिट हम किसको कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट को। तो अब इसको राइट ऑफ करने के लिए या इस गलती को खत्म करने के लिए हमको कटौती खाता जो हमने गलती से डेबिट किया है उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी शरद डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, शरद का खाता डेबिट कटौती खाता से, चेक अनादरण की गलत प्रविष्टि का संशोधन और ₹100 से क्योंकि एंट्री हमको करनी थी तो यहाँ पर हम ₹100 लिखेंगे। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं मशीन में वृद्धि करने के मजदूरी के वे ₹800 मजदूरी खाते में डेबिट या विकलन कर दिए गए। यहाँ पर क्योंकि मशीन में वृद्धि करने के लिए मजदूरी दी गई थी तो ये जो मजदूरी है ये मशीन खाते में जुड़ जानी चाहिए थी, लेकिन इसको अलग से मजदूरी के व्यय जो थे उसको मजदूरी खाते में लिख दिया गया, वेजेस अकाउंट में लिख दिया गया और डेबिट किया गया। तो गलती कहाँ पर हुई है, वेजेस अकाउंट यानी कि मजदूरी खाते को डेबिट करके गलती की गई है। तो अब उसको हम पलट देंगे राइट ऑफ करने के लिए, उल्टी एंट्री कर देंगे, यानी कि मजदूरी खाते को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे, यानी कि प्रॉपर हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी मशीन खाता डेबिट मजदूरी खाता से और यहाँ नरेशन हम लिखेंगे मजदूरी खाते में गलत प्रविष्टि का संशोधन ₹800 से हम इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर भवन बनवाने के ₹500 मरम्मत खाते में नामे विकलन या डेबिट किए गए। तो यहाँ पर जो भवन निर्माण का जो व्यय है वो भवन में ही यानी कि फिक्स एसेट्स में ही जुड़ जाना चाहिए, लेकिन गलती से हमने उसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। तो गलती हमने कहा कि
रिपेयर अकाउंट में डालकर हमने गलती की। तो इस गलती को समाप्त करने के लिए इस रिपेयर अकाउंट को हमको पलट देना होगा, यानी डेबिट लिखकर हमने गलती की तो इसको हमको कर देना होगा अब क्रेडिट। यानी कि प्रॉपर हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, भवन खाता डेबिट मरम्मत खाता से, मरम्मत खाते की गलत प्रविष्टि का संशोधन किया गया और 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 300 रुपए का माल जिसे सुशील ने लौटाया या स्टॉक में शामिल कर लिया किंतु पुस्तकों में इसका लेखा नहीं किया गया। तो ये जो माल है उसको स्टॉक में शामिल तो कर लिया गया लेकिन पुस्तक में इसका लेखा नहीं किया गया, तो इसको हमको कहीं पे कुछ संशोधन तो करना नहीं है, लेखा नहीं हुआ तो लेखा अब हम कर देते हैं। और विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमेशा डेबिट होता है, और कहां से ये रिटर्न हो रहा है, सुशील से, तो नॉर्मल जो इसकी एंट्री छूट गई थी उस एंट्री को हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी विक्रय वापसी खाता डेबिट सुशील से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुशील, और 300 रुपीज से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, मालिक द्वारा आहरण किए गए 200 रुपए यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर दिए गए। तो यहाँ पर हम गलती से हमने यात्रा व्यय खाता डेबिट कर दिया, तो अब इसको सुधारने के लिए हमको यात्रा व्यय खाते को क्रेडिट कर देना होगा। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी आहरण खाता डेबिट यात्रा व्यय खाता से, और 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सिक्स पॉइंट में हम देख रहे हैं कि सुभाष से प्राप्त 300 रुपए का रेखांकित चेक रानू के खाते में जमा या समाकलन या क्रेडिट और बैंक खाते के स्थान पर रोकड़ खाते में डेबिट कर दिया गया। यानी दो चीजें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं, एक तो सुभाष से प्राप्त 300 रुपए का रेखांकित चेक रानू के खाते में जमा कर दिया गया यानी कि क्रेडिट कर दिया गया, तो इसको अब हमको सुधारने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। रानू को हमने क्रेडिट किया तो यहाँ पर हमको रानू को डेबिट करना पड़ेगा, और क्योंकि सुभाष से प्राप्त है तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रानू डेबिट सुभाष से, गलत प्रविष्टि का संशोधन हमने किया, तो नरेशन भी हम यही लिखेंगे गलत प्रविष्टि का संशोधन 300 रुपीज। और इसके साथ ही एक प्रविष्टि दी गई है कि बैंक खाते के स्थान पर रोकड़ खाते में नामे की गई, तो यहाँ पर क्योंकि बैंक खाता डेबिट करना था और रोकड़ खाता क्रेडिट करना था लेकिन इसने गलती से रोकड़ खाता डेबिट कर दिया, तो इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमको रोकड़ खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारी प्रॉपर एक जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 300 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। निम्नलिखित अशुद्धियों को संशोधित करते हुए जनरल की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। पहला, राम से 65 रुपए प्राप्त हुए किंतु भूल से उसके खाते के जमा पक्ष में 95 रुपए लिख दिए गए। रिसीव्ड रुपीज 65 फ्रॉम राम बट हिज अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय रुपीज 95 बाय मिस्टेक। सेकेंड, 1150 रुपए में मशीन क्रय की गई किंतु उसका लेखा क्रय खाते में किया गया। अ मशीन वॉज बॉट फॉर रुपीज 1150 बट द परचेस अकाउंट वॉज डेबिटेड। थर्ड, नई मशीन लगाई 2000 रुपए मजदूरी दिया किंतु उसका लेखा मजदूरी खाते में किया गया। द कॉस्ट ऑफ फिटिंग ऑफ न्यू मशीन वॉज रुपीज 2000 बट द वेजेस अकाउंट वॉज डेबिटेड। फोर्थ, विक्रय पुस्तक का योग 89.50 रुपीज के स्थान पर 98.50 रुपीज लगा दिया गया। द टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज रुपीज 89.50 रुपीज बट इट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट रुपीज 98.50 रुपीज। फिफ्थ, 250 रुपए एक ग्राहक को छूट दिया गया जिसका लेखा डूबत ऋण संचिति के विकलन में कर दिया गया। A customer was allowed discount of rupees 250 but the bad debts reserve account was debited. यहाँ पर हमको इन अशुद्धियों के सुधार के लिए कुछ पंजी प्रविष्टियां करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है जिसमें राम से 65 रुपए प्राप्त हुए किंतु भूल से उसके खाते के जमा पक्ष में 95 रुपए लिख दिए गए, यानी कि ज्यादा लिखा गया। एक तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अधिक अगर लिखा गया है तो कितना अधिक लिखा गया,
तो 65 से 95 यानी कि 30 रुपीस अधिक लिखे गए, तो इस 30 रुपीस को हमको एडजस्ट करना है। दूसरी बात हमको ये देखना है कि क्योंकि राम से जब प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में राम का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, लेकिन क्योंकि अगर कम लिखता तो राम का अकाउंट क्रेडिट का क्रेडिट ही रह जाता, लेकिन क्योंकि इसने ज्यादा लिखा तो ज्यादा लिखा है तो फिर अब इसकी प्रविष्टि को हमको पलटना पड़ेगा, राम को हमको डेबिट करना पड़ेगा इसको सुधार करने के लिए, तो राम हो जाएगा डेबिट और सेकंड पार्ट जो है वो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉपर यहाँ पर हमारे जनरल एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग राम्स अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद एक्सेस अमाउंट रुपीज 30 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं 1150 रुपए में मशीन क्रय की गई किंतु उसका लेखा क्रय खाते में किया गया। अब गलत हमने क्या की, गलत प्रविष्टि हमारी क्या है यहाँ पर, हमने एंट्री हमको हमने कर दी क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से, ये हमारी अशुद्ध प्रविष्टि है। और सही प्रविष्टि हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी सही प्रविष्टि होनी चाहिए मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से, यानी कुल मिलाकर क्रय खाता को डेबिट करके हमने गलती की है और अब इस गलती को सुधार करने के लिए हमको इसकी अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि क्रय खाता को हमको अब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर हमारे यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग परचेस अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड फॉर मशीनरी परचेस रुपीज 1150 से हम इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं नई मशीन लगाई 2000 रुपए मजदूरी दिया किंतु उसका लेखा मजदूरी खाते में किया गया। एक तो मशीन अगर नई लगाई गई है तो मशीन की लागत, उसको लाने ले जाने के व्यय, उसको एस्टेब्लिश करने के व्यय, सारे के सारे मशीन में जुड़ जाएंगे। लेकिन गलती यहाँ पे क्या कि इसने कि इसके इसमें जो मजदूरी दी गई है इसको इस मशीन पे उसको मजदूरी खाते में लिख दिया गया, यानी गलत एंट्री क्या हुई, अशुद्ध प्रविष्टि क्या हुई, पहले हम उसको लिखेंगे। अशुद्ध प्रविष्टि हुई मजदूरी खाता डेबिट रोकड़ खाता से वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलत किया हमने। सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए थी, सही प्रविष्टि होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से, यानी गलती हमने कहां की है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेजेस अकाउंट को डेबिट लिखकर हमने गलती की है, तो अब हम वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इस गलती को सुधारने के लिए। तो प्रॉपर हमारे यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट बीइंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी एक्सपेंसेस वाज रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट और 2000 सिम्स की एंट्री कर देंगे। अब फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं विक्रय पुस्तक का योग 89.50 रुपीज के स्थान पर 98.50 रुपीज लगा दिया गया। ओवरऑल देखे तो 9 रुपए यहाँ पर ज्यादा लिख दिए गए, तो क्योंकि विक्रय है इसको क्रेडिट होना चाहिए लेकिन अधिक लिखा गया तो इसको हमको पलटना पड़ेगा, यानी क्रेडिट को हमको करना पड़ेगा डेबिट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाता से बीइंग सेल्स अकाउंट टोटल एडेड इन एक्सेस और 9 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं 250 रुपए एक ग्राहक को छूट दिया जिसका लेखा डूबत ऋण संचिति में विकलन कर दिया गया। गलती हमने क्या की, डूबत ऋण संचय खाता को डेबिट कर दिया जबकि वो क्रेडिट होता है, और लिखना क्या चाहिए था हमको इसको, क्योंकि ये छूट दी गई है, डिस्काउंट है, डूबत ऋण संचय नहीं है, इसको हमको लिखना कहा था डिस्काउंट में। गलती हमने कहा कि डूबत ऋण संचय खाते को डेबिट करके हमने गलती की, तो अब इस गलती को सुधारने के लिए हमको डूबत ऋण संचय खाते को पलट देना होगा, यानी कि हमने डेबिट किया था तो अब उसको हमको क्रेडिट कर देना होगा। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट और 250 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे बीइंग डिस्काउंट वॉज रॉन्ग डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट 250 रुपीज से। निम्नलिखित अशुद्धियों के संशोधन के लिए जनरल की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। करेक्टेड द एरर्स टू मेक रेस्टिफिकेशन एंट्रीज इन द जनरल। फर्स्ट 200 रुपए के कार्यालयीन विद्युत व्यय निर्माण खाते के दिए गए। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस वर्थ ₹200 फॉर ऑफिस वेयर डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेकेंड 5000 रुपए भवन निर्माण की मजदूरी का भुगतान किया गया
किंतु गलती से इसे मजदूरी खाते में लिख दिया गया। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। थर्ड, ₹1,000 की पुरानी मशीन बेची और विक्रय खाते में रकम जमा कर ली। एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹1,000 बट अमाउंट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। फोर्थ, ₹500 का फर्नीचर क्रय किया तथा क्रय खाता में विकलन कर दिया। फर्नीचर परचेज फॉर ₹500 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फिफ्थ, ₹2,000 इंजीनियर को मशीन स्थापित करने का वेतन दिया और उसे नियमित वेतन में लिख दिया गया। सैलरी पेड टू एन इंजीनियर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी ₹2,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कार्यालयीन विद्युत व्यय निर्माणी खाते में लिख दिए गए, यानी कि वो विद्युत व्यय है, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको हमको विद्युत व्यय खाते में ही नामे करने थे। हमने गलती कहाँ पे की है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट करके हमने गलती कर दी है। तो इस गलती को सुधारने के लिए अब हमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को पलट के क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी प्रॉपर हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बीइंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड मिस्टेक रेस्टिफाइड। विद्युत व्यय खाता डेबिट निर्माणी व्यय खाता से, कार्यालयीन विद्युत व्यय की राशि गलती से निर्माणी खाते में लिखी गई। दूसरा, हम देख रहे हैं कि ₹5,000 भवन निर्माण की मजदूरी का भुगतान किया गया और गलती से इसे मजदूरी खाते में लिख दिया गया। ये जो मजदूरी दी जा रही है ये भवन निर्माण के लिए दी जा रही है, यानी एक फिक्स एसेट्स पे दी जा रही है, तो इसको हमको फिक्स एसेट्स यानी भवन में ही इंक्लूड करके लिखना है। लेकिन हमने इसको गलती कहाँ पर की है, मजदूरी खाते को डेबिट करके हमने गलती की है। इस गलती को सुधारने के लिए हमको पलट कर अब इस मजदूरी खाते को क्रेडिट कर देना होगा, यानी प्रॉपर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट Being wages account wrongly debited, mistake rectified. भवन खाता डेबिट मजदूरी खाता से, भवन निर्माण पर मजदूरी की राशि गलती से मजदूरी खाते में लिखी गई। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, ₹1,000 की पुरानी मशीन बेची और विक्रय खाते में लिख दी गई, जबकि पुरानी मशीन ये मशीन है, संपत्ति है, जब भी हम इसको बेचेंगे तो हमारी सही जनरल एंट्री होनी चाहिए, रोकड़ खाता डेबिट मशीन खाता से। लेकिन हमने गलती क्या की, हमने लिख दिया रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से, यानी हमने गलती कहां पर की है, हमने विक्रय खाता को क्रेडिट करके गलती की है, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट करके गलती की है। तो इस गलती को सुधारने के लिए फिर हमको विक्रय खाता को डेबिट कर देना होगा, पलट देना होगा। तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग एसेट सोल्ड मिस्टेक रेस्टिफाइड। विक्रय खाता डेबिट मशीन खाता से, पुरानी बेची गई मशीन की राशि पर अशुद्धियों का संशोधन। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ₹500 का एक फर्नीचर क्रय किया गया तथा क्रय खाते में विकलन कर दिया गया। तो जब फर्नीचर एक स्थायी संपत्ति है, जब हम फर्नीचर को क्रय करेंगे, परचेस करेंगे, तो हम जनरल एंट्री करेंगे, सही एंट्री हमारी होगी फर्नीचर खाता डेबिट रोकड़ खाता से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन मिस्टेक हमने कहाँ कर दी, हमने क्रय खाता डेबिट कर दिया। जनरली कई बार इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं हम, खरीदा मतलब क्रय मान के उसको डेबिट कर देते हैं। तो गलती क्या की हमने, मिस्टेक, गलत प्रविष्टि हमारी कौन सी है, क्रय खाता डेबिट विकलन खाता से, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्योंकि परचेस अकाउंट का डेबिट करके हमने गलती की है, हम ये गलती कर रहे हैं, तो इस गलती को सुधारने के लिए हम परचेस अकाउंट को पलट देंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे, यानी क्रय खाता परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहां हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस एंड रॉन्गली डेबिटेड मिस्टेक रेस्टिफाई। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, ₹2,000 इंजीनियर को मशीन स्थापित करने का वेतन दिया और उसे हमने नियमित वेतन में लिख दिया। हमने पहले भी देखा है कि जो मशीन हम खरीद के लाते हैं उसको स्थापित करने के, उसको एस्टैब्लिश करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन अकाउंट में जुड़े हुए होते हैं।
लेकिन यहाँ पर गलती से उसको सैलरी अकाउंट में जोड़ दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में हमने गलती कहाँ की, सैलरी अकाउंट को डेबिट करके हमने गलती करी है। तो अब हम सैलरी अकाउंट को इसमें सुधार करने के लिए अब हम सैलरी अकाउंट को जो हमने डेबिट किया था अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉपर हम यहाँ पे हमारी जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग सैलरीज अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड मिस्टेक रेस्टिफाइड। निम्नलिखित सूचनाओं से अशुद्धियों को सुधारने के लिए नकल प्रविष्टियां कीजिए तथा उच्चंत खाता भी बनाइए। पहला, तलपट के योग में 700 रुपए का अंतर है जिससे उच्चंत खाते में विकलित कर दिया गया। दूसरा, विक्रय पुस्तक का योग 100 रुपए से कम लगाया गया। तीसरा, ब्याज में दी गई 700 रुपए की राशि नहीं लिखी गई। चौथा, 1200 रुपए प्रकाश से प्राप्त हुए परंतु खाते में 1000 रुपए की प्रविष्टि की गई। फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि तलपट का जब मिलान किया गया तो उसमें 700 रुपए का डिफरेंस आया। बहुत हल्का चेक करने के बाद भी जब हम नहीं जान पाते कि डिफरेंस कहाँ से आया तो उस डिफरेंस के अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब सस्पेंस अकाउंट हम बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विक्रय पुस्तक का योग 100 रुपए से कम लगाया गया, तो हमको ध्यान देना है कि कम लगाया गया है तो विक्रय क्रेडिट होता है तो क्रेडिट ही रहेगा, पलटेगा नहीं। और सेकेंड उसका जो पार्ट होगा वो डेबिट पक्ष जो होगा वो हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, यानी कि प्रॉपर हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उद्धृत खाता डेबिट विक्रय खाता से, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग सेल्स बुक अंडर कॉस्टेड रेस्टिफाइंग, और अमाउंट यहाँ पर हम 100 रुपीज की लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्याज में दी गई 700 रुपए की राशि नहीं लिखी गई। हमने इंटरेस्ट पे किया और लिखा ही नहीं, ऐसे नहीं कि कहीं हमने मिस्टेक कर दिया, कहीं हमने गलती कर दी, एक्चुअली हमने उस अमाउंट को लिखा ही नहीं। तो अब हम उसको लिख देंगे क्योंकि ये ब्याज में दी गई राशि है, हमारा व्यय है एक प्रकार का, तो हम ब्याज अकाउंट को इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेकेंड जो पार्ट है यानी क्रेडिट वाला पार्ट है उसको हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। तो प्रॉपर हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड बट नॉट एंटर्ड, और 700 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फोर्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं 1200 रुपए प्रकाश से प्राप्त हुए परंतु उसके खाते में 1000 रुपए से प्रविष्टि की गई। अब क्योंकि 1000 रुपए से प्रविष्टि की गई है यानी कम प्रविष्टि की गई है, कम रुपए हमने लिखे हैं तो प्रकाश जो कि क्रेडिट था तो वो क्रेडिट ही रहेगा, पलटेंगे नहीं हम इस एंट्री को। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट, और कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, यहाँ हम देख रहे हैं कि 200 का डिफरेंस है तो 200 से ही हम उसकी एंट्री करेंगे। अब इसके बेस पे जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का एक तो बैलेंस डेबिट बता रहा है तो पहले सबसे पहले हम बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस जो सस्पेंस अकाउंट का है 700 वो लिख देंगे। फिर हम इस एंट्री में देख रहे हैं कि एक बार सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, और फिर हम देख रहे हैं कि सेकेंड एंट्री हुई है हमारी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट तो हम सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, और 700 क्योंकि इंटरेस्ट के अमाउंट है तो 700 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर थर्ड एंट्री हम देख रहे हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रकाश तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे गौरी शंकर एंड सन्स के लेखापाल ने तलपट के 10000 रुपए के अंतर को उद्धृत खाते में अंतिम खाता बनाने के लिए डेबिट किया परंतु बाद में निम्नलिखित अशुद्धियां ज्ञात हुई। पहला, विक्रय पुस्तक का योग 2000 रुपए से कम लगाया गया था। दूसरा, 4000 रुपए उमेश से प्राप्त हुए किंतु उसके खाते में 400 रुपए ही क्रेडिट हुए। तीसरा, 3000 रुपए का क्रय केवल 1000 रुपए क्रय खाते में लिखा गया है। चौथा, ब्याज में दी गई 13600 रुपए की रकम ब्याज खाते में नहीं लिखी गई। उक्त त्रुटियों को पंजी प्रविष्टि के द्वारा सुधार कीजिए और उद्धृत खाता बनाइए। द अकाउंट ऑफ गौरी शंकर एंड सन्स हैज डेबिटेड द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस अमाउंटिंग रुपीज 10,000 टू द डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। द फॉलोइंग एरर हाउएवर were revealed. First,
Sales book was undercast by ₹2,000. Second, ₹4,000 were received from Umesh, but only ₹400 were credited in his account. Third, purchase for ₹3,000 were entered as only ₹1,000 in the purchase account. Fourth, interest paid amounting ₹13,600 was not returned in the interest account. Rectify the above error by passing general entries and prepare suspense account. इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि विक्रय पुस्तक का योग ₹2,000 से कम लगाया गया था। तो क्योंकि कम लगाया गया और विक्रय है, विक्रय क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ही रहेगा क्योंकि योग यहाँ पर कम लगाया गया है, अधिक नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर हम विक्रय को क्रेडिट ही करेंगे और दूसरा पक्ष जो है उसको हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। तो प्रॉपर हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ नरेशन हम लिखेंगे करेक्शन ऑफ सेल्स बुक विच वॉज अंडर कास्ट 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, उद्धृत खाता डेबिट विक्रय खाता से। और नरेशन हम लिखेंगे विक्रय पुस्तक का योग कम लगाया गया, 2000 से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं ₹4,000 उमेश से प्राप्त हुए, उसके खाते में ₹400 ही क्रेडिट किए गए, यानी कि हमने 4000 की जगह 400 क्रेडिट कर दिया, ₹3,600 का यहाँ पर की कमी हुई है। और कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि कम लिखा गया। तो उमेश से प्राप्त हुए यानी कि उमेश का खाता क्रेडिट होना चाहिए था, तो वो क्रेडिट ही होगा, उसको हम क्रेडिट में ही लिखेंगे क्योंकि कम लिखा गया है अमाउंट को, इसलिए हमको पलटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको ये देखना है कि 400 और 4000 के बीच का जो डिफरेंस है उतने को ही हमको यहाँ पर लाना है। तो ₹3,600 से हम इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ हमारी एक प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उमेश। नरेशन हम लिखेंगे रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर क्रेडिटेड उमेश विथ लेजर अमाउंट, उद्धृत खाता डेबिट उमेश के खाता से, उमेश के खाते में कम राशि लिखी गई और 3600 यानी ₹3,600 से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। ₹3,000 थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि ₹3,000 का क्रय केवल ₹1,000 क्रय खाते में लिखा गया। इसका मतलब यह है कि क्रय खाते में कम प्रविष्टि की गई, कम योग लगाया गया। तो क्योंकि कम वाली बात यहाँ पर की जा रही है और क्रय खाता डेबिट होता है तो वो डेबिट ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाता से। और कितना कम लगाया गया है, 3000 की जगह 1000, मतलब ₹2,000 से कम लगाया गया है। तो ₹2,000 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर डेबिटिंग परचेस अकाउंट विथ लेजर अमाउंट। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं ब्याज में दी गई ₹13,600 की रकम ब्याज खाते में नहीं लिखी गई। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लिखना ही भूल गए, लिखे ही नहीं। ऐसे नहीं कि कोई गलत प्रविष्टि की गई तो हम उसको उसका पक्ष परिवर्तित करके कुछ रेस्टिफाई हम उसको कर सकते हैं, एंट्री हमने की ही नहीं, तो अब हम उस एंट्री को कर देते हैं क्योंकि ब्याज यहाँ पर दिया गया है तो डेबिट होगा। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रेस्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड, रेस्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट और रेस्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ओमिटेड, और 13,600 से हम इसकी एंट्री करेंगे।